and I hope everyone is doing well. If you're new here, please don't forget to subscribe to my channel and hit that bell icon so that you get notified whenever I upload a new video. So, आज मैं निकल रही हूँ इंडिया. It is very exciting क्योंकि मेरी sister in law ने newly एक baby girl deliver की है. So, how exciting I am going. सो इंडिया जा रही हूँ तो पैसे की जरूरत तो पड़ती ही है क्योंकि हम यहाँ पे पाउंड में कमाते हैं, बट इंडिया में पाउंड नहीं चलते, INR चलते हैं. सो आज की वीडियो होगी दैट हाउ टू सेंड मनी टू इंडिया यूजिंग द बेस्ट फॉरेक्स रेट एंड नो हिडन चार्जेस. देयर आर मेनी एप्स वाया विच यू कैन सेंड मनी टू इंडिया, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर वाइज, रेमिटली, रेवल्यूट, मॉन्जो और बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए हैं. लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि सबसे अच्छा रेट कहाँ मिलता है? सो फर्स्ट ट्रिक हाउ टू सेंड मनी विथ लेसर रेट इज, अगर आप ट्रांसफर वाइज में जाकर देखोगे ना, और अगर आप कोई भी अमाउंट सिलेक्ट करोगे कि आपको सपोज फॉर एग्जाम्पल 1000 pound भेजने हैं, तो उसमें वो एक रेट दिखाता है, वो एक एक्सचेंज रेट भी बताता है कि आपको नेट कितने अकाउंट में कितने पैसे आएंगे आफ्टर द डिडक्शन ऑफ कमीशन एंड वॉट एवर ट्रांसफर वाइज चार्जेस टू ट्रांसफर द अमाउंट. बट उसके नीचे एक प्राइस कंपैरिजन का बटन होता है, अगर आप उसको क्लिक करोगे ना तो उसमें वेरियस एप्स का कंपैरिजन आएगा. लाइक मॉन्जो में आप ट्रांसफर करोगे तो आपको ये रेट मिलेगा, रेमिटली में करोगे तो ये मिलेगा, रेवल्यूट में करोगे तो ये मिलेगा, मनीग्राम से करोगे तो ये मिलेगा, वेस्टर्न यूनियन से करोगे तो ये मिलेगा. वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम आर लाइक ओल्ड वेज ऑफ सेंडिंग मनी टू इंडिया. उनका ऐप और टेक्नोलॉजी इतना सपोर्टेड नहीं है उनके वेबसाइट से. सो आई वुड रेकमेंड कि आप बाकी सारे एप्स ही एक्सप्लोर करो टू सेंड मनी. तो इससे आपको पता चल जाएगा कि सबसे सस्ता कौन दे रहा है, एंड देन यू कैन डाउनलोड इट एंड गो अहेड एंड ट्रांसफर द मनी. बट इसके अलावा देयर इज अ न्यू ऐप इन द मार्केट विच आई डोंट थिंक सो आई हर्ड अबाउट अंटिल दे रीच्ड आउट टू मी, विच इज एक्स मनीज. एक्स मनीज इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन सेंड मनी टू इंडिया विदाउट एनी हिडन कॉस्ट, 100% ट्रांसपेरेंसी, वेरी गुड रेट. एंड ऑफकोर्स आप कैप्टेरा वेबसाइट में अगर उसका रिव्यू लिखोगे ना तो आपको $20 का एक गिफ्ट कार्ड भी मिलेगा. हाउ एक्साइटिंग, पैसे ट्रांसफर करने के बदले, रिव्यू लिखने के बदले आपको $20 मिलेंगे. अभी इसका प्रोसेस ना बहुत सिंपल है, आपको जाके बस गूगल में एक्स मनीज टाइप करना है, एक्स मनीज का वेबसाइट आ जाएगा, आपके एक्स मनीज की वेबसाइट खुल जाएगी. उसमें बस आपको जाके करना है कि आपको कितना अमाउंट भेजना है, बट अमाउंट भेजने से पहले आपको अपनी डिटेल्स ऐड करनी पड़ेगी. फर्स्ट डिटेल जो आपको ऐड करना है कि आप कहाँ पे पैसे भेज रहे हो, इट इज रिसीवर एड्रेस और रिसीवर बैंक अकाउंट, कौन से बैंक अकाउंट के साथ है, लाइक HDFC, PNB, एक्सिस बैंक या कोई भी बैंक अकाउंट जो आपका इंडिया में है. यू नीड टू फिल इन द डिटेल्स, यू नीड टू फिल इन द IFSC कोड, यू नीड टू फिल इन कि आप किस में भेज रहे हो. कई लोग सेविंग्स अकाउंट में डायरेक्टली भेजते हैं, कई लोग NRE अकाउंट में भेजते हैं, कई लोग सिर्फ फैमिली मेंटेनेंस के नाम पे भेजते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन आता है टू सिलेक्ट कि आप किस वजह से भेज रहे हो, एंड आफ्टर यू हैव एडेड योर रिसीवर डिटेल्स वो आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगा विच इज सेंडर डिटेल्स. अभी सेंडर डिटेल्स क्या होता है? सेंडर डिटेल्स इज वो कि आप यहां से पैसे कैसे दोगे एक्स मनीज को ताकि वो आपका ट्रांसफर फैसिलिटेट करें. या तो आप डेबिट कार्ड से पे कर रहे हो, या तो आप क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हो, या फिर आप बैंक ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो आपको ऑप्शन देगा कि यू नो टू एड योर सेंडर डिटेल्स एंड विच बैंक अकाउंट यू आर ट्राइंग टू ट्रांसफर द मनी. ये दोनों होने के बाद आपको कन्फर्मेशन आएगा कि आप कितना अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हो एंड कितना अमाउंट आपको मिलेगा. आप ये कंपेयर कर लेना आप बाकी जो भी जितने भी एप्स हैं, ये सबसे सस्ता है. देर इज नो ट्रांजेक्शन फीस विच इज गेटिंग एडेड एट द एंड. नहीं तो कई एप्स में ऐसा होता है कि आप यू नो यू कीप डूइंग द ट्रांजेक्शन और जब चेकआउट के टाइम पे आपको पैसा पे करना होता है टू ट्रांसफर, उसमें वो एडिशनली ट्रांसफर फीस या कमीशन या एक्सचेंज रेट कुछ तो भी लगा देते हैं. बट इसमें देर इज नो हिडन कॉस्ट, इट इज 100% ट्रांसपेरेंट एंड इट गिव्स यू द बेस्ट फॉरेक्स रेट एज कम्पेयर टू अदर एप्स इन द मार्केट. सो उसके बाद आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 pounds ट्रांसफर करने की कोशिश की थी तो 98 रेट चल रहा है, तो मुझे 98 के हिसाब से 981 ही मिल रहा है. देर इज नो यू नो कमीशन विच दे आर डिडक्टिंग.
एक बार आपकी ये डिटेल्स फ्रीज हो गई, आप नेक्स्ट जब स्टेप में जाओगे तो आपको केवाईसी कंप्लीट करने बोलेगा. व्हाट इज केवाईसी? केवाईसी इज नो योर कस्टमर. इसके अगेंस्ट दे आस्क यू सम प्रूफ्स, लाइक आप यूके में रह रहे हो तो आपके पास एक रेसिडेंस परमिट होगा या ड्राइविंग लाइसेंस होगा, एनी आइडेंटिटी प्रूफ. इट इज सेम लाइक एनी अदर ऐप वेर दे डू योर आइडेंटिटी चेक. आप केवाईसी कंप्लीट करोगे, उसके बाद ट्रांसफर कंप्लीशन का एक मैसेज आएगा कि आपका केवाईसी खत्म हो गया एंड आपका ट्रांसफर फैसिलिटेट हो गया, एंड इट विल शो यू रेडी फॉर प्रोसेसिंग. रेडी फॉर प्रोसेसिंग के बाद आपके बैंक अकाउंट में 2 घंटे में पैसे आ जाएंगे, एंड दे आर वेरी फास्ट. मतलब अगर आज मैं अभी इंडिया निकल रही हूँ एंड मुझे है कि मुझे मेरे पहुंचते तक पैसे मिल जाने चाहिए, मैं जब तक एयरपोर्ट पहुंचूंगी तब तक तो पैसे आ भी जाएंगे. सो प्लीज डू चेक आउट दिस एक्स मनीज. आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई गेट मोटिवेटेड टू क्रिएट मोर सच कॉन्टेंट फॉर यू गाइज. I'll see you in the next vlog and stay tuned for my India series. Bye!